वेरी गुड मॉर्निंग क्लास वन आई ई ओ सेट ए ईयर 2012। इन दिस पेपर दिस इज ओलम्पियाड क्वेश्चंस इंग्लिश। इन दिस पेपर 35 क्वेश्चन आई विल कवर फर्स्ट 20 क्वेश्चन इन दिस पेपर एंड रिमेनिंग विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स मीन्स 21 टू 35 क्वेश्चन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। सेक्शन वन वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। चूज द करेक्ट वर्ड। एग्जाम्पल दिस इज द एलिफेंट। तो यहाँ तीन ऑप्शन दिए, डियर है, एलिफेंट है, काऊ है। तो इसका आंसर जो आपको सही दिख रहा है उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। इसका आंसर है एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिश ट्री प्लांट या बुश। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्री दिख रहा है कि प्लांट दिख रहा है कि बुश दिख रहा है। तो ये आंसर क्या है, ट्री का है। क्वेश्चन नंबर टू डिश, ये जो इमेज दिख रही है किसकी है, सोफे की है, स्टूल की है, चेयर की है। तो इसका आंसर है चेयर। थ्री दिस इमेज विल बी बिलोंग्स टू वॉट, बॉटल, बाउल या वेस। तो बॉटल बिलोंग्स टू न्यूज़ पेपर, मैगजीन या पिक्चर। तो दिस इज अ मैगजीन। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये जो इमेज है किसकी है, डोर की, विंडो की या फिर गेट की। तो इसका आंसर है गेट। चूज द ऑड वर्ड, मतलब एग्जाम्पल दिया प्लास्टिक है, कॉटन या वूल है। तो कॉटन वूल तो नियर अबाउट एक जिस एक मतलब कॉटन वूल वर्ड एक नियर अबाउट एक ही वर्ड हो गए, पर प्लास्टिक इज डिफरेंट नाउ। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, काल्फ पपी या हॉर्स। तो हॉर्स इज अ डिफरेंट वर्ड इन दिस टू वर्ड्स। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बर्ड। तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और बर्ड में क्या है, ये दो सेम नियर अबाउट वर्ड है एंड बर्ड इज डिफरेंट वर्ड। ये दोनों चीज मैन मेड है बट बर्ड इज नॉट अ मैन मेड, दैट्स वाई डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर एट, माउंटेन, क्लाउड या हिल। तो माउंटेन और हिल दीज आर द सेम वर्ड बट क्लाउड इज अ डिफरेंट वर्ड, दैट्स वाई इट्स आंसर इज क्लाउड। मिल्क, क्वेश्चन नंबर नाइन, मिल्क, जूस या बन। मिल्क और जूस दिस इज अ लिक्विड, बन इज नॉट अ लिक्विड, दैट्स वाई बन इज अ डिफरेंट वर्ड विद ऑड वर्ड। बन इज राइट आंसर। चूज द राइट वर्ड विच गोज विद द फर्स्ट वन, टी, मग, सोसर या कप। कप, टी कप, बुक, चेयर, शेल्फ या टेबल। तो बुक को कहाँ रखते हैं, चेयर पर रखोगे, शेल्फ रखोगे या टेबल पर, तो शेल्फ में रखते हैं इसको। हैंड डैश पिंच, शेक या टच, इन तीनों में सही वर्ड क्या होगा। हैंड शेक होता है। कार के साथ डैश, पाथ, पार्क या फिर वे। तो इन तीनों में सही वर्ड क्या होगा, कार पार्क की जाती है। गोल्फ पीच, कोर्स या लॉन। गोल्फ कोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द राइट वर्ड यू रीड अ। एग्जाम्पल बुक, आंसर या फिर न्यूज। यू रीड अ बुक। यू वॉच अ डिश, मतलब पेंटिंग, फिल्म या स्टेज। तो यू वॉच अ पेंटिंग। यू टेक अ डिश, नैप, टाइम या स्लीप। तो यू टेक अ नैप। आस्क फॉर अ प्रॉमिस, यू आस्क फॉर अ हेल्प या फिर क्वेश्चन। तो यू आस्क फॉर अ हेल्प। क्वेश्चन नंबर 17, समथिंग डेट फ्राइटेंस यू इज डिश, सैड, स्केरी या फिर फनी। तो इसका आंसर होगा स्केरी। क्वेश्चन नंबर 18 टू 20, चूज द राइट वर्ड अ ड्रॉप ऑफ। वाटर होता है, शुगर होता है, जैम होता है, तो वाटर ही होगा। अ स्लाइस ऑफ जेली, क्रीम या ब्रेड। तो स्लाइस ऑफ ब्रेड होती है। अ शिप डैश इन द ओशियन, सेल्स, सेल्स या स्विम्स, सेल्स। हिज अंट गिव हिम अ बुक एज अ डैश, प्रॉमिस, प्रेजेंट या फिर प्राइज। तो हिज अंट गिव हिम अ बुक एज अ प्रेजेंट। बी। So in this video I have covered 1 to 20 questions and remaining will be I will cover 21 to 35 questions of this paper. Thank you.